कैसे आपके पास है 50,000 हर एक महीने में। और हेलो, ध्यान दीजिए आप लोग, कोई बनाए 12 नंबर किसी से? 12 नंबर बना किसी का? बोलिए। नंबर में कैश दिया हुआ, ओपनिंग कैश कितना दिया? 50,000। और मंथली सैलरी दिया हुआ, पेमेंट कितना हो रहा है? 20,000। इंटरेस्ट कब हो रहा है? अगस्त में हो रहा है। कैश सेल आपको दिया हुआ डायरेक्ट, और क्रेडिट सेल में क्या लिखा हुआ है? 50% सेम मंथ में हो रहा है और 50% नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। डिस्काउंट मिला 10%। और उसके बाद परचेज में 10% कैश परचेज है, बाकी बैलेंस कब हो रहा है? पेमेंट 1 महीने के बाद। और वेजेज पेमेंट कब हो रहा है भाई? सेम मंथ में हो रहा है, उसी मंथ में हो रहा है। और एक्सपेंस में आधा क्या हो रहा है? इस मंथ में हो रहा है, आधा नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। और एक्सपेंसेस में 4,000 डिप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो स्टार्ट करें इसका वर्किंग नोट। देखिए पहला वर्किंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल आपको दिया अलग से, ठीक है? तो कैश सेल जुलाई का जुलाई में आएगा, अगस्त अगस्त में आएगा, सितंबर का सितंबर में आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर देखिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्रेडिट सेल आपको अलग से दिया हुआ है। 2 लाख है, 160 है, और 280 है, 240 है। उसके बाद देखिए कैश सेल में 50% सेम मंथ में हो रहा है। सेम मंथ में हो रहा है, जून का जून में आएगा 1 लाख, जुलाई का जुलाई में आएगा 80,000, और अगस्त का अगस्त में आएगा, सितंबर का सितंबर आएगा। इस पर डिस्काउंट हो रहा है 10%। अगर सेम मंथ में कलेक्शन होगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो लेस का डिस्काउंट 10%। फिफ्टी परसेंट सेम मंथ हो गया, लेस डिस्काउंट 10%। ले ले लो 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 जा।
172, उसके बाद कितना हो गया 206 और उसके बाद 248। तो कलेक्शन डिटेल में बोलिए, डाउट है कलेक्शन डिटेल में बोलिए। कलेक्शन में डाउट है बोलो। फर्स्ट कितना 172, सेकंड कितना 206 और थर्ड कितना हो गया 248। इसके निकाले पेमेंट टू क्रेडिटर, याद हो गया सबका। सेकंड वर्किंग देखिए, सेकंड वर्किंग देखिए, देखिए सर आपके पास 2 लाख है, 160 है, 280 है, 240 है, 50% सेम मंथ में हो रहा है, तो 1 लाख आ गया, 80 आ गया, 140 आ गया, 120 आ गया। डिस्काउंट कितना 10% माइनस कर दीजिए, 10,000, 8,000, 14,000, 12,000, उसके 90 आएगा, 72 आएगा, 126, 108 और 50% का आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका 50%, 2 लाख का 50%, 1 लाख मतलब जून का, जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, वो आपका रक्षा यहाँ तक। रक्षा जस्ट होगा आपको यहाँ तक, हेलो वो आपका सवाल यहां पे इसके बाद देखिए नेक्स्ट परचेज दिया हुआ, देखिए यहाँ पे परचेज कितना कितना दे, देखिए यहाँ पे 320, 340, 480, 360।
परचेज में कैश पैसे -10%, उसके बाद क्या बचा? क्रेडिट परचेज कितना? 288, 306, 432, 324। और इसका पेमेंट कब हो रहा है? नेक्स्ट मंथ में। इसका पेमेंट कब हो रहा है बताइए? नेक्स्ट मंथ में। सेकेंड डे इसके बाद हो गया था। सेकेंड डे के अच्छा वेजेज में वर्किंग नहीं है। वेजेज पेमेंट कब हो रहा है? 20,000। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब सेम मंथ में हो रहा है, जुलाई का जुलाई में, अगस्त का अगस्त में, सितंबर का सितंबर में। और उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस का, देखिए एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस में 4,000 पहले डेप्रिस माइनस करिए, उसके बाद जो बचेगा उसका 50% क्या हो जाएगा? सेम मंथ में 50%, नेक्स्ट मंथ में। एक्सपेंसेस जुलाई का जुलाई में आएगा 18,000, अगस्त का अगस्त में, सितंबर का सितंबर में आएगा 50%, मतलब 50% सेम मंथ में आएगा, जुलाई का जुलाई, जून का जून में, जुलाई का जुलाई में, अगस्त का अगस्त में, सितंबर सितंबर में। और 50% कब आएगा? नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो 32 का 50%, 36 का 50%, 40 का 50%। अब हो गया वर्किंग कंप्लीट। अब फॉर्मेट बनाइए। तो रिसिप्ट में क्या क्या आएगा बताइए? रिसिप्ट में बोलिए, रिसिप्ट में एक तो कैश सेल आएगा। कैश सेल हर एक मंथ में कितना आएगा? देखिए हर एक मंथ में कैश सेल है दिया हुआ है हर एक मंथ का अलग अलग। तो रिसिप्ट में क्या क्या आएगा बताइए? कैश सेल आएगा, और क्या आएगा बताइए? कलेक्शन आएगा बस। ठीक है, अब पेमेंट में क्या क्या आएगा बताइए? पेमेंट में देखिए एक तो कैश परचेज आएगा, और ड्यू डेट मतलब कौन सा पॉइंट पर बताइए? कौन सा पॉइंट में ड्यू डेट दिया रहेगा तो उसी डेट पे पेमेंट होगा जो आपका ड्यू डेट है।
नाइन का बी ठीक जो डेटर्स का 1 मंथ कलेक्शन है तो 50% हो रहा है 1 महीने के बाद, मतलब कि ड्यू डेट पे 1 महीने के बाद, मतलब ड्यू डेट है 1 मंथ के बाद हो गया, डेट क्या है 1 मंथ के बाद, अब 50% और 1 महीने के बाद, मतलब कि 2 महीने के बाद ड्यू डेट, मतलब जो डेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे डेटर्स का 1 मंथ दिया ना क्वेश्चन में, तो वैसे 10 का भी है, 2 मंथ का क्रेडिट है, 50% मिलेगा अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट करेगा तो, 1 महीने के अंदर कर रहा है, बाकी जो 80% 1 महीने के अंदर, बाकी जो 20% डिजिट मतलब कितना महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 10 का बी में 80% हो रहा है 1 महीने के अंदर, और जो 20% डिजिट मतलब जो ड्यू डेट दिया क्वेश्चन में 2 मंथ 2 महीने के बाद, समझ में आया, जो डेट आपको दिया है पेमेंट का रिजिमा, जैसे 9 का बी, 9 का बी में लिखा हुआ 1 मंथ ड्यू डेट है तो 1 मंथ के बाद हो रहा है, और 10 का बी में हो रहा है 20% ड्यू डेट है, 2 मंथ ड्यू डेट है तो 20% 2 महीने के बाद हो रहा है, समझ गए ना। अब इसमें देखिए पेमेंट में क्या क्या आएगा, कैश परचेज आएगा और क्या आएगा बताइए, पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आएगा और क्या, पेमेंट बताइए, पेमेंट फॉर वेजेज आएगा, सैलरी वेजेज, पेमेंट फॉर तो सैलरी वेजेज सेम मंथ में आएगा, उसी मंथ में हो रहा है, एंड एंड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद पेमेंट फॉर सैलरी वेजेज हो गया, उसके बाद पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आएगा, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट पेड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का ये अगस्त में आएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और ये सिर्फ अगस्त में आएगा, ये 10,000 बस हो गया। ओपनिंग कैश आपको दिया हुआ है जुलाई का, तो रिसीट में क्या है, कैश से कलेक्शन आएगा बस, पेमेंट में कैश पैसे आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, पेमेंट फॉर सैलरी आएगा, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो बनेगी फॉर्मेट इसका, आप लोग फॉर्मेट बनेगी इसका, अपने कैसे देखिए दिया है यहाँ पे जुलाई में कितना दिया है 50,000,
टोटल पेमेंट टोटल करिए कितना है, जुलाई में कितना टोटल पेमेंट? पेमेंट करोगे जुलाई में कितना आ रहा है, अगस्त में कितना आ रहा है, सितंबर में कितना आ रहा है, टोटल करिए। 288 प्लस 34 प्लस 20 प्लस 34 कितना आ रहा है बताइए, सब ऐड करिए। कितना टोटल करिए, जुलाई का टोटल कितना आ रहा है, 376। अगस्त का टोटल कितना आ रहा है, अगस्त का 306 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 38 प्लस 10 32 प्लस 36 प्लस 20 प्लस 38 सब मिला कितना रहा बताएं। प्लस 36 प्लस 20 प्लस 38 सब ऐड करिए कितना रहा बताएं। अब जुलाई का क्लोजिंग कैश निकालिए, ए प्लस बी माइनस सी। फिर जुलाई का जो क्लोजिंग कैश होगा अगस्त का ओपनिंग कैश हो जाएगा। जुलाई का क्लोजिंग कैश निकालिए, जुलाई कितना क्लोजिंग कैश बताइए, फर्स्ट मंथ में कितना आ रहा है क्लोजिंग कैश बैंक? फिफ्टी प्लस 452 502 माइनस 376 माइनस 376 कितना आ रहा बताइए। 50,000 प्लस 452 माइनस 376 कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 452,000 माइनस 376 तो 126, तो ये 126 अगस्त का ओपनिंग कैसे हो जाएगा। फिर अगस्त में कितना आएगा, 126 प्लस 510 माइनस 422 126 प्लस 5,10,000 माइनस 4,22,000 कितना है अगस्त का क्लोजिंग कैश। 126 प्लस 5,10,000 माइनस 422 क्लोजिंग कैश है सितंबर का 2,14,000 प्लस 490 माइनस 526 बस। समझ गया ना सबको, बोल रहे और कौन सा डाउट है, एक्सेल 11 छोड़ के और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में, बोली पहले 11 छोड़ के एनी अदर डाउट, 11 हम डिस्कस करेंगे पहले, एनी अदर डाउट एक्सेप्ट 11। 11 नंबर हम कराएंगे आप लोगों को, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है,
उसके अलावा कोई डाउट है पहले बताइए, 13 नंबर में और बाकी जो क्वेश्चन था 13 में क्या है, सेल्स दिया गया है उसे 40 में माइनस करिए कैश सेल आ जाएगा, और 2 महीने आपका ड्यू डेट है तो 80% कब हो रहा है, 4/5 मतलब 80% 1 महीने के अंदर हो रहा है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 5%, और रिमेनिंग 20% कब हो रहा है, और 1 महीने के बाद मतलब कि 2 महीने के बाद, क्या दिक्कत है बताइए, 80% कब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, ठीक है, पहले कैश सेल माइनस करिए तो कार्ड सेल आएगा, फिर कार्ड सेल में से 80% नेक्स्ट मंथ हो रहा है और 20% कब हो रहा है, उसके बाद डिस्काउंट माइनस करेंगे उसमें हम लोग, लेस डिस्काउंट करेंगे उसमें हम लोग, कितना डिस्काउंट होता है इसमें 5%, और 20% कब हो रहा है बोलिए, आफ्टर 2 मंथ, क्या दिक्कत है बोलिए, करिए 30 नंबर, आपको निकालना जून जुलाई अगस्त का, तो अप्रैल वाला कोई काम नहीं आएगा, आप मई से स्टार्ट, जून जुलाई अगस्त ठीक है, अप्रैल से बनेगा, अप्रैल से काम आएगा, अप्रैल से स्टार्ट कीजिए, जैसे करना है सेल्स में से पहले क्या करें, कैश से माइनस 40%, उसके बाद क्या आएगा क्रेडिट से आएगा, फिर 4/5 मतलब क्या 80% का बोला 1 महीने के बाद, और उसमें डिस्काउंट कितना आएगा 5%, और बाकी बचे 20%, बैलेंस कितना बचा 20% वो कब आ रहा 2 महीने के बाद, क्या दिक्कत इसमें, करिए इसको स्टेप खत्म कर चुके हैं बहुत सारा, 110 है, सॉरी प्रीमियर से 1 लाख है तो माइनस 40% कितना हो गया 40,000 बचा कितना 60,000 तो उसका 120 का 60% 40% माइनस करिए 48 90 का 40% 36 150 का 40% 60 120 का 60% 50 अब 60,000 का 4/5 80% 48,000 इसके बाद यहाँ पे 70,000 का 80%
70 का 80% कितना आएगा, 70 का 80% हो गया 56, 2000 का 80% 1600, 57600। और 54,000 का 80% 40,000 और 43,200। अब डिस्काउंट माइनस करिए, फर्स्ट 2400, सेकंड कितना आएगा 2880, थर्ड कितना 2160, नेक्स्ट 3300, माइनस करिए डिस्काउंट। बोले विराट यहाँ तक बोले विराट इसमें, हेलो बोलिए, कोई डाउट इसमें। और बोल डाउट है इलेवन छोड़ के, हेलो टेन में कौन सा है बोलिए युक्त, टेन में कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया युक्ता बोलिए आपको, एफ वाला पॉइंट इसमें कोई काम का नहीं है, नो यूज, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं आ रहा है, इलेवन इलेवन में आएगा आपको पॉइंट बताएंगे आपको हम। अगर नेगेटिव कैसा आएगा तो आपको लोन लेना पड़ेगा बॉस में 2 महीने का, ठीक है। एफ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अगर डेफिशिएंसी आएगा, नेगेटिव आएगा कैश, तब आपको लोन लेना है, तो इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है इसलिए पॉइंट एफ कोई काम का नहीं है, 11 में बताएंगे आपको हम।
स्टार को 11, और कोई ऑर्डर इसके अलावा? बस लास्ट क्वेश्चन 11 है। ठीक है, देखिए 11 नंबर पढ़िए। देखिए कैश सेल है कितना, बताइए सेल्स दिया हुआ है 50% कैश सेल है, तो पहले सेल्स निकाल लीजिए, कैश सेल माइनस करिए क्रेडिट सेल आएगा, और 70% कब हो रहा है 1 महीने के बाद, और 20% कब हो रहा है 2 महीने के बाद, और बाकी बैड डेट्स का कोई एंट्री नहीं होगा, बैड डेट्स का कोई एंट्री, और आपको चाहिए सितंबर से दिसंबर तक, कितना महीने का बनाना है आपको, सितंबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो देखिए पहला वर्किंग, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में सेल्स आपके पास 60,000 है, और उसके बाद 90 है, उसके बाद कितना है 75 है, फिर 90 है, 2105 है, फिर 120 है। ठीक है, सेल्स आ गया, इसमें से कैश सेल कितना पहले निकालिए, 50% कैश सेल माइनस करिए, वेरी गुड। तो कैसे माइनस करिए, इसके बाद क्या आएगा, माइनस करने के बाद क्रेडिट सेल आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 70% कब हो रहा है 1 महीने के बाद, और 20% कब हो रहा है 2 महीने के बाद,
37,500 का 20% करिए, 37,500 का 75% कितना आया बताइए, 37,500 का 75% कितना आ रहा है, 2825। और इसका बताइए 52,500 का 52,500 का 75%, 52,500 का 75% कितना आ रहा है बताइए, 52,500 का 75%। उसमें चार्ज लगा तो दूसरा लेगा बेस्ट हो जाता, इसको कहीं और चार्ज लगा तो फोन को कहीं लगाओ चार्ज कहीं पे भी। हो गया यादव, अब बैटरी से कोई इंटरव्यू होगा, नो इशू बैटरीज। कैसे कलेक्शन, अब पेमेंट में ये पेमेंट टू क्रेडिटर परचेज में दिया हुआ है, 70% कब हो रहा है बताइए, पहले कैश पैसे निकालिए, पहले वर्किंग नोट टू करिए, वर्किंग नोट वन हो गया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को बोलिए, कलेक्शन आ गया 39750 37125 41250 48375, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद
कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्रोसेस एंड पेमेंट टू क्रेडिटर। तो देखिए कौन कौन संबंध का दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इंफॉर्मेशन आपके पास कौन कौन संबंध का है, जुलाई से स्टार्ट है। परचेज दिया हुआ देखिए 40,000, 60,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। इसमें 20% क्रेडिट है तो बाकी क्या बचा, 70% कैश। ठीक है अंदर, तो माइनस करने के बाद क्या क्रेडिट परचेज कितना है, 10,000, 12,500, 15,000, 17,000 और 20,000। लास्ट में कितना है, 20,000। ठीक है अंदर क्रेडिट परचेज। फिर इसके बाद माइनस करिए इसमें क्रेडिट परचेज आ गया। अब 70% कब हो रहा है, 1 महीने के बाद, और 30% कब हो रहा है, 2 महीने के बाद। तो 10,000 का 70%, 7,000, 15,000 का 70%, 10,500, 12,500 का कितना हो गया, 8,250। और 8,750 आएगा ना इसका, 8,750। उसके बाद 10,500 और इसका कितना 70% बताइए, 17,500 का 70% कितना आएगा, 17,500 का 70% कितना आ रहा बताइए, 17,000, 12,250। थ्री थाउजेंड फोर फाइव डबल जीरो। ठीक है यहाँ तक, अब ऐड करने के बाद 13,500 और इसका कितना है, 13,250, 14,250 और 16,750। ये हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है।
और क्या नेक्स्ट इसके बाद देखिए, ये हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर। इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट, वेजेस में क्या बोला है, नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग अगले महीने के 3 तारीख को हो रहा है, मतलब कि नेक्स्ट मंथ हो गया डायरेक्ट बस। तो वेजेस में कुछ नहीं करना आपको, वेजेस सीधा क्या हो जाएगा, सितंबर का सितंबर में आएगा, अक्टूबर का अक्टूबर में, नवंबर का नवंबर में, दिसंबर का सॉरी अगले में अगस्त का सितंबर में वेजेस, नेक्स्ट मंथ के 3rd को हो रहा है, तो अगस्त का सितंबर में आएगा, सितंबर का अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर का नवंबर में आएगा, नवंबर का दिसंबर में आएगा, तो इसका वर्किंग नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए अदर एक्सपेंस में क्या बोला है, डेप्रिसिएशन कितना है, 2000 माइनस कर दीजिए, अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, 2000 डेप्रिसिएशन है, और टाइम दिया हुआ नहीं है, तो सेम मंथ हो जाएगा, टाइम नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, सेम मंथ, तो इसका वर्किंग करिए। अदर एक्सपेंस में डेप्रिस माइनस कर दीजिए 2000, तो सितंबर में कितना आएगा, 6000 आएगा, अक्टूबर में कितना आएगा, 5850 आएगा, नवंबर में कितना आएगा, 5200, दिसंबर में कितना आएगा, 5050, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कमीशन कितना परसेंट है, 5% है ऑन टोटल सेल्स पेबल 1 मंथ, तो कमीशन का देखिए नेक्स्ट 10/4, यहाँ तक डाउट है बताइए, यहाँ ठीक है सबका। इसके बाद कमीशन पॉइंट 4, हो गया सेलिंग कमीशन। तो 1 महीने बाद हो रहा है पेमेंट, कमीशन का पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद, तो अगस्त का कमीशन कब आएगा, सितंबर में 97.5%, और सितंबर का कमीशन कब आएगा, अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर का कमीशन कब आएगा, नवंबर में आएगा, और नवंबर का कमीशन कब आएगा, दिसंबर में आएगा, ठीक है तक सेलिंग कमीशन। और क्या उसके बाद नेक्स्ट, मशीन परचेज कब हो रहा है, मशीन परचेज हो रहा है उसका पेमेंट कब हो रहा है, सितंबर में, तो डेड हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव कब हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में, तो डेड हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, HRI में कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन हो गया, मशीन परचेज कब हो रहा है, सितंबर में, तो सितंबर में आएगा, और डिविडेंड रिसीव कब हो रहा है, नवंबर में, नवंबर में आएगा,
और डिबेंचर का इंटरेस्ट देखिए 1 लाख का 10% आएगा और क्वार्टरली हो रहा है। डिबेंचर इंटरेस्ट देखिए 1 लाख के ऊपर आएगा, कितना परसेंट? 10% है और क्वार्टरली है तो 3 मंथ में आएगा, तो सितंबर में आएगा और दिसंबर में आएगा। मार्च और जून का आपको चाहिए नहीं, आपको मार्च और जून का बनाना नहीं है, तो वर्किंग कंप्लीट हो गया आपका। अब फॉर्मेट में आते हैं हम लोग, ठीक है। और पॉइंट नंबर के बाद में काम आएगा, जब पॉइंट नंबर के है ना कि अगर डेफिसिट हो रहा है, कैश अगर नेगेटिव आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, ओवरड्राफ्ट लेंगे, तो बाद में काम आएगा, उसका अभी कोई काम नहीं है। तो करें फॉर्मेट, वर्किंग कंप्लीट, ठीक है। अगर अब इसके बाद देखिए फॉर्मेट में आइए, तो रिसिप्ट ऐड कर लीजिए 37500 प्लस 3975 दोनों ऐड करिए, कितना रहा देखिए
250 और सेकंड वाला कितना आ रहा है, सेकंड वाला 82125, 82125। थर्ड कितना आ रहा है बताइए, 1,04,000। अब फोर्थ कितना आ रहा है बताइए, 108675। ठीक है यहां तक, 108375। अब पेमेंट नहीं, उसके बाद पेमेंट देखिए क्या क्या है। एक है कैश परचेज था पहले, कैश परचेज हो गया, उसके बाद क्या था, पेमेंट टू क्रेडिटर भी हो गया बस, और क्या नेक्स्ट, इसके बाद पेमेंट फॉर वेजेज, वेजेज कब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। वेज कितना नेक्स्ट मंथ में हो रहा है देखिए, तो अगस्त का सितंबर में आएगा 10,500। तो वेजेस कब आ रहा है देखिए, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, तो फर्स्ट कितना हो गया 10,500 हो गया, फिर कितना हो गया 17,500 हो गया, फिर कितना हो गया 17,100, और फिर कितना हो गया बताइए 12,000। ठीक है, फिर क्या वेजेस के बाद बताइए नेक्स्ट, वेजेस के बाद क्या देखिए नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस का बोला बताइए, तो अदर एक्सपेंस माइनस के डिप्रेशन माइनस कर दीजिए बस, तो अदर एक्सपेंस कितना कितना आएगा देखिए, ठीक है यहाँ तक अदर एक्सपेंस कितना 6,000 हो गया, 5,850, 5,300, 5,050। लास्ट वाला कितना हो गया 5,050। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद डिबेंचर पेमेंट पर मशीनरी, मशीन कौन सा मंथ में आ रहा है, नवंबर में सितंबर में आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए 60,000, फर्स्ट मंथ में आ रहे हैं।
इसके बाद देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट, 2 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट सितंबर दिसंबर में, टू फाइव जीरो। इसके बाद क्या नेक्स्ट बताइए, अदर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस कितना, देखिए पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंस किस मंथ में आएगा, अदर एक्सपेंस हो गया था, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, और कोई पेमेंट आएगा, सब हो गया, देख लीजिए सब हो गया पेमेंट, सेलिंग कमीशन, और क्या इसके बाद नेक्स्ट, बस सबको ऐड करने के बाद कितना टोटल गई है, फर्स्ट मंथ में कितना टोटल बताइए, टोटल गई फर्स्ट मंथ में कितना आ रहा बताइए, टोटल पेमेंट कितना आ रहा बताइए, सितंबर में 134,500। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना आ रहा है बताइए, अक्टूबर में कितना पेमेंट टोटल, 45,000 प्लस 135,250 प्लस 17,500 प्लस 5,850 प्लस 3,750 कितना टोटल है, अक्टूबर में कितना है टोटल पेमेंट, 85,350 नवंबर में कितना है, नवंबर में 5,250 प्लस 14,250 प्लस 17,100 प्लस 53,300 प्लस 4,500 कितना है बताइए, 5,250 प्लस 14,250 प्लस 17,100 प्लस 5,300 प्लस 4,500 कितना सब मिला के बोलिए, 9,3,650 दिसंबर में कितना बताइए, 6,000 प्लस 16,750 प्लस 12,000 प्लस 5,050 प्लस 2,500 प्लस 5,250 9,3,650 बैलेंस निकालिए, बैलेंस फर्स्ट मंथ का कितना आ रहा बताइए, अभी क्लोजिंग कैसे मत लिखिएगा, अभी आप क्लोजिंग कैसे मत लिखिएगा, फर्स्ट मंथ में 47,000 था प्लस 77,250 अब माइनस करिए 134,500 कितना आ रहा बताइए, फर्स्ट मंथ में कितना आ रहा बताइए, 47,000 प्लस 77,250 माइनस करिए 134,500 कितना रहा फर्स्ट मंथ में बताइए, बैलेंस 47,000 प्लस 77,250 माइनस 1,34,500 कितना रहा फर्स्ट मंथ में टोटल बैलेंस कितना रहा बताइए, अभी यहाँ क्लोजिंग कैसे मत लिखिएगा, यहाँ पे अभी कितना रहा बोलिए, 47,000 प्लस 77,250 माइनस 134,500 कितना आ रहा है,
हेलो, माइनस में आ रहा है, 1-0 निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? निगेटिव आएगा तो बैंक ओडी लेने बोला क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर के में क्या बोला है? बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करिए। देखिए यहाँ पे बैलेंस लीजिए पहले 1025 और निगेटिव आएगा तो बैंक ओडी लेंगे। जितना निगेटिव आएगा, जितना ओवरड्राफ्ट जितना निगेटिव रहेगा उतना लोन लेंगे। और अभी आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट कब करेंगे? जब आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो क्लोजिंग कैश कितना होगा? नील। अभी अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस हो गया, अक्टूबर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस नील हो गया। फिर अक्टूबर का क्लोजिंग कैश निकालिए, वैसे बैलेंस निकालिए तो -3225। नील हो गया ये भी वैसे ही, इसमें निगेटिव आ रहा है फिर से। तो ये जो क्लोजिंग कैश हो गया अक्टूबर का और नवंबर का क्या हो गया? वो ओपनिंग कैश। और नवंबर में कितना आएगा बताइए? फिर नील प्लस 1,04,000 माइनस 93,650। तो नवंबर में पॉजिटिव आ रहा है, नवंबर में कितना आ रहा है बताइए? 1,00,000 नील प्लस 1,04,000 माइनस कितना करिए? 93,650 निगेटिव आ रहा है इसमें भी। यहाँ तक हो गया अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर नेगेटिव आ रहा है, नील आएगा यहाँ पे। अब नवंबर में कितना आ रहा है बताइए? नवंबर में कितना आ रहा है बताइए? ओपनिंग बैलेंस नील हो गया, प्लस कितना करिए? 1,04,000। अब माइनस कितना करिए? 93,650। कितना आ रहा है नवंबर में बताइए? नवंबर में कितना आ रहा है बोलो? 1,04,000 माइनस करिए 93,650, कितना आ रहा है? 1,04,000 माइनस 93,650 कितना आ रहा है? 1,035,050। पॉजिटिव आएगा तो बैंक ओडी क्या करेंगे लोग? पेमेंट कर देंगे। पॉजिटिव आएगा तो बैंक ओडी हम लोग नहीं लेंगे, और बैंक ओडी क्या करेंगे लोग? पेमेंट कर देंगे। 1,03,105। तो क्लोजिंग कैश कितना होगा? नील। फिर दिसंबर का करिए वैसे ही। अब दिसंबर में कितना आएगा बताइए? फिर नील प्लस 1,08,375 माइनस करिए 93,650। दिसंबर में कितना आ रहा है बताइए? अब 1,08,375 माइनस 93,650 कितना आ रहा बताइए? दिसंबर में कुछ रॉन्ग हुआ है लगता है, आप लोग का कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हुआ है, इतना नहीं आएगा। दिसंबर में एक बार चेक करिए आप लोग, पेमेंट एक बार चेक करिए दिसंबर में। यहाँ 60,000 था और कलेक्शन कितना आया था? कलेक्शन एक बार चेक करिए दिसंबर का। पेमेंट कितना था? 1,01,550 था ना? 1,01। अब दिसंबर में कितना आ रहा बताइए? फिर 1,01,550 का यहाँ पे, ठीक है ना? अब क्लोजिंग कैश कितना आ रहा है फिर? ओपनिंग कैश नील था, ऐड करिए 1,08,375, अब माइनस करिए 1,01,550, कितना आ रहा बैलेंस?
108 सीजन 5 माइनस 101550 कितना रहा बोलिए? 108 सीजन 5 माइनस 101550 कितना आ रहा है? 6825। बैंक ओडी कितना लिए थे पहले हम लोग? बैंक ओडी कितना लिए थे? 1025 लिए थे पहले, फिर 325 लिए, इतना ऐड करिए और माइनस कितना करिए? 1025। तो बैलेंस कितना बचा है बैंक ओडी में? पहले कितना बैंक ओडी लिए थे? 1025, फिर कितना लिए? 325, दोनों ऐड करिए और माइनस कितना करिए? 1050। तो कितना बचेगा बैंक ओडी बताइए? बैंक ओडी कितना बचेगा? 1050 प्लस 325 माइनस 1050 कितना है? बैंक ओडी बताइए बैलेंस माइनस करने के बाद 1025 लिए थे बैंक ओडी और कितना लिए? 325 इतना ऐड करिए और माइनस करिए 1050, 3125 बचेगा तो पेमेंट कर दीजिए 3125। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा लास्ट में? फिर 3700। बस बोलो कोई डाउट यहाँ तो? बैंक ओडी हम लिए कितना था पहले? 1050, फिर कितना लिए? 3225 ऐड कर दीजिए अब पेमेंट कितना हो गया? 1050। तो और कितना बैंक ओडी बचा हुआ? 3125। तो माइनस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा? क्लोजिंग कैश 3700। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें बोलिए? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो था 8 नंबर। 8 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट था और 2 नंबर। ठीक है, एट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, 2 है, 12 है। रिसीट में क्या क्या था? कैश सेल था, कलेक्शन था, डिविडेंड था। तो 77250, 82125, 104000 और 108375। ठीक है, यहाँ तक पायल सर? हो गया था सबको? पायल सर हो गया आपका? सबका हो गया? तो नेक्स्ट चैप्टर आपका मंडे स्टार्ट होगा, तो मंडे न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। मंडे में सोच रहे कॉस्ट ही करा देते हैं, चैप्टर एक फ्लेक्सिबल बजट, और 2-3 क्लास चैप्टर है। ओके, टैक्स भी ना इसके बाद करा देंगे, फ्लेक्सिबल की बात करा देंगे टैक्स। तो आज से क्लास ऑफ करते हैं यहाँ पे। सौरभ जी रिकॉर्डिंग ऑफ करिए।